अस्सलामुअलैकुम मेरे बच्चों, कैसे हो? आज तो दादा अब्बू के साथ वापस जा रहे हो घर। कैसा लग रहा है मेरे साथ गाड़ी में बैठ के तुम लोगों को? वालेकुम अस्सलाम दादा अब्बू, बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है। आज तो आज हम अपने दादा के साथ गाड़ी में जा रहे हैं। हाँ, चला का अली पिंकी टिंकी, आज मैं तुम लोगों को एक नई कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है समुद्री चोर की। हाँ, समुद्री चोर यानी समंदर में भी चोर होते हैं। आप ये देखो, आज मैं उनकी कहानी बताऊंगा कि वो किस तरीके से कहते हैं। आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा, और अली तुमने तो पढ़ा होगा ना, पायरेट एंड द शिप। जी जी दादा अबू, ये तो मेरे सिलेबस पे है, और टीचर ने तो आज होमवर्क भी दिया है कि इस लेसन को पढ़ के आना है। वो कल सबसे सुनेंगी, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी अगर आप हमें स्टोरी बताएंगे। तो मैं अपनी टीचर को कल यही सुनाऊंगा स्टोरी। चलो बच्चो, अब मैं तुम लोगों को कहानी सुनाता हूँ, पायलट और एडवेंचर की। चार पांच लोग हो जाते हैं, ये पायलट सारे किश्ती में सवार हो रहे होते हैं। वो किश्ती निकालते हैं और एक आइलैंड की तरफ जाते हैं। आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं, समुंदर बिल्कुल शांत होता है, आराम से जा रहा होता है। रात हो जाती है, समुंदर एकदम खराब हो जाता है, तूफानी बारिशें शुरू हो जाती हैं। कभी उनकी किश्ती पानी के नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, इसी तरीके से करते करते वक्त गुजर गया, और फिर सुबह होना शुरू हो गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता समुंदर फिर दोबारा से खामोश होना शुरू हुआ, और फिर कश्ती आराम आराम से चलती रही, यहाँ तक चलती रही कि फिर उनको एक आइलैंड नजर आ गया। जैसे ही आइलैंड नजर आया तो एक बंदा, जो उनका एक बंदा था, ऊपर खड़ा होकर शोर मचाता है कि आइलैंड नजर आ गया, आइलैंड नजर आ गया। वो फिर उस आइलैंड की तरफ चले जाते हैं, उतरते हैं तो तीन से चार लोग उतरते हैं वो लोग, और जाके देखते हैं तो वहाँ पे उनको ट्रेजर बॉक्स नजर आता है। वो लोग बहुत खुश होते हैं। उनमें से दो लोग जो होते हैं वो ट्रेजर बॉक्स को खोलते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेजर बॉक्स वो खोलते हैं तो उसके अंदर से सांप आ जाता है, निकल आता है। तो एकदम उनको शॉक लगता है, पीछे हट जाते हैं डर के मारे। उनका जो बॉस होता है फिर वो एक ट्रिक लगाता है, फिर जो दोनों बंदे जो खोल रहे थे वो आग लगा देते हैं उस बॉक्स के ऊपर, और उस बॉक्स की आग की वजह से जो है वो सांप वगैरह मर जाते हैं। फिर वो लोग बॉक्स को उठाते हैं और उसको शिप के अंदर लोड कर देते हैं। लेकिन आप देखो ना कि ये पैसा तो जाहिर बात है उनका नहीं था, तो चोरी करने आए थे। तो दोनों जो है बॉक्स खोलते हैं, वो आपस में लड़ते हैं, आपस में तलवार एक दूसरे को चला देते हैं, और एंड में ये होता है कि दोनों मर जाते हैं। उनका बॉस उनका देख के रोता है कि ये क्या किया, हमने तो खजाना ले लिया था, हर चीज ले ली थी, इसमें लड़ने की क्या जरूरत थी, अब देखो मर गए तुम लोग। वो उनके वहीं पे छोड़ के फिर शिप पे बैठ जाता है और चले जाता है। देखा मेरे बच्चों, इससे क्या तुम लोगों का एहसास होता है कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। ये खजाना जो उनका नहीं था, ठीक है, वो चोरी करने आए थे, वो चोरी कर तो लिया, लेकिन उसके साथ साथ दो जाने भी गंवा दी। इसलिए कहते हैं कि चोरी करना बुरी बात होती है। तो कैसी लगी दादा अब्बू की कहानी आज की? अब हमारा घर भी आ गया है, चलो अब हम घर की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी, और फिर अगले दिन दूसरी कहानी के साथ फिर दोबारा से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ मेरे बच्चों।